See, it is not important to know about each and everything. The question is that we should have an ability, we should have a talent, and we should have the potential, and we should have the desire to learn. The desire to learn is the most important thing which we can learn from the life of C.V. Raman. And as we have the desire to learn, simultaneously we should have desire to unlearn. You see, learning and unlearning both are important. Learning is by science and unlearning is by religion. That is what we need to understand. These are two very important things. Uspensky was a great mathematician. He went to Gurdjieff. Gurdjieff asked, "How much do you know?" He said, "I know a lot." Gurdjieff said, "Then you are not my student. I can only have that person as a student who wants to unlearn himself, जो अपने आप को मिटाने के लिए तैयार है, जो अपने आप को भुलाने के लिए तैयार है, वो मेरा स्टूडेंट हो सकता है." ऐसा गुरजीएफ ने कहा टू ओस्पेंस्की, हु वाज ए मैथमेटिशियन. एक जोहरी मरा, जोहरी समझते हो? यस, जवानी में मरा, खूब माल छोड़ के मरा. उसकी मृत्यु के पश्चात पत्नी ने उसके एक दोस्त को बुलाया. जोहरी का दोस्त कौन होगा? जोहरी. दूसरे जोहरी को बुलाया, उसको कहा इस अलमारी को खोल, इसमें क्या सामान है, इस सामान का कुछ ना कुछ उपयोग करें या बेचें, घर का गुजारा करने के लिए कुछ भी करें. जोहरी का जो दोस्त जोहरी था, उसने वो तिजोरी खोली, अंदर झांका और उसे बंद कर दिया. उस समय जिस जोहरी की मृत्यु हुई थी, उसका बेटा 10 साल का था. उसने उसकी वाइफ को कहा कि इस तिजोरी को तो ऐसे ही बंद रहने दो, इस लड़के को मेरे साथ भेज दो, इसको 2-3 साल में पढ़ाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और फिर उसके बाद इस तिजोरी को खोलेंगे. वो जोहरी अपने मित्र के बेटे को लेकर 3 साल के लिए चला गया. 3 साल के बाद आया, उसने उस लड़के को कहा कि अब तो इस तिजोरी को खोल. लड़के ने उस तिजोरी को खोला, उसमें जितना सामान पोटलियों में बंधा पड़ा था उसने देखा, उन पोटलियों को दोबारा से बांधा और उनको बाहर नाली में फेंका. उसने नाली में क्यों फेंका? उसने नाली में इसलिए फेंका कि उन पोटलियों में सिर्फ कंकर पत्थर बंधे थे, कोई हीरे जवाहरात नहीं थे. और उस जोहरी ने उस दिन ये जवाब दिया जो उसका दोस्त था कि मैंने उस दिन इस तिजोरी को खोला और देखा कि अंदर सिर्फ कंकर पत्थर हैं, इसलिए इसे बंद कर दिया. यदि मैं उस दिन इसको नाली में फेंक देता तो शायद तुम सब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते. तुम सब लोग ये समझते कि मित्र मित्र को धोखा दे गया, सारी की सारी संपत्ति लूट कर ले गया. अब इस जोहरी ने अपने दोस्त के बेटे के लिए क्या किया? उसके अंदर एक समझ पैदा की, उसके अंदर एक सूझ पैदा की, उसके अंदर एक टेम्परामेंट पैदा किया कि तूने हीरे जवाहरात को कैसे पहचानना.
और जिस दिन पहचान लेगा उस दिन असली नकली की पहचान हो जाएगी। यही रमन ने हम सबके साथ किया कि रमन ने हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया, हमारे अंदर एक साइंटिफिक सोच पैदा की, हमारे अंदर एक साइंटिफिक सोच पैदा की और हमें बता दिया व्हाट इज यूजफुल टू अस एंड व्हाट इज नॉट यूजफुल टू अस। दिस इज व्हाट रमन हैज गिवन इट टू अस। बोधि धर्म चाइना में गया, बुद्ध का शिष्य था, ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धिज्म इन चाइना। और चाइना में वो लोग एक गुड़िया रखते हैं, दारुमा बोलते हैं उसे, दारुमा, उसको आप कैसे ही उठाओ, कैसे ही बिठाओ, कैसे ही फेंको, कैसे ही तोड़ो, कैसे ही मोड़ो, जब आप उसको छोड़ोगे तो वो एक सिद्ध आसन में बैठ जाती है, ऐसे होके बैठ जाती है दोबारा से, समझे, अलाती पलाती मार के हाथ ऐसे करके ऐसे बैठ जाती। आप उसको कैसे ही कर लो, वो फिर से वैसी की वैसी पोजीशन में आ जाती है। एंड इट इज अ वेरी पॉपुलर टॉय विद द चिल्ड्रन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर द पर्सन इनटू स्पिरिचुअलिटी। बच्चों के लिए खेलने की चीज है और जो लोग साधना करना चाहते हैं उनके लिए साधना की चीज है। मीनिंग देयर बाय दैट पीपल वॉन्ट टू टीच दैट वट एवर यू मे बिकम वेयर एवर यू मे गो बट यू शुड नॉट लीव योर रूट। कि आपको चाहे तोड़ा जाए, आपको चाहे मोड़ा जाए, आपको चाहे मरोड़ा जाए, आप अल्टीमेटली वैसे के वैसे। यानी कि साइंस के साथ हम लोग कहीं भी उड़ जाएं, आकाश में कहीं भी चले जाएं, डीप समुंदर में, पर अपनी जड़ को नहीं भूलें। अपनी जड़ को कैसे ना भूलें, हमारी जड़ क्या है, हमारी जड़ आत्मा। यानी भौतिक विकास के साथ, शारीरिक विकास के साथ हम अपने आध्यात्मिकता को ना भूलें, हम अपने सोल को ना भूलें। सी द पिक्चर ऑफ सीवी रमन, सारा कुछ विदेशी है नीचे पर ऊपर हिंदुस्तानी है मस्तक। दैट डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेटेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट ही नेवर फॉरगॉट दैट ही इज फर्स्ट इन इंडिया। अपने मूल को कभी सीवी रमन नहीं भूले, चाहे दुनिया की किसी भी चीज किसी भी जगह पर गए पर हिंदुस्तान के साफे को नहीं होता। स्वामी रामतीर्थ ने भी ऐसे ही कहा। स्वामी रामतीर्थ को जब किसी ने सूट पैंट कोट सब कुछ दे दिया, उन्होंने सब कुछ डाल लिया पर हैट नहीं डाला। Somebody gifted him all the things, but उन्होंने उसका कोट पैंट टाई सब लगा लिया बट उन्होंने उसका हैट नहीं लगाया। इट वॉज एन अमेरिकन हू गिफ्टेड हिम ऑल दीज थिंग्स। तो उसने कहा, स्वामी जी जब आपने सब कुछ डाला तो हैट डालने में क्या तकलीफ। तो स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पे तो मेरे हमेशा हिंदुस्तान रहेगा, इसलिए मैं कभी हैट नहीं डालूंगा। मस्तक पे उन्होंने हिंदुस्तानी साफा रखा। सीवी रमन ने सब कुछ किया पर अपने मस्तक से हिंदुस्तान को नहीं हटाया, अपनी जड़ों को कभी नहीं भूले। वो इसलिए साइक का ठीक होना, हमारी मानसिकता का ठीक होना अति आवश्यक है। चाहे हम साइंटिस्ट बनना चाहें, चाहे हम कुछ भी बनना चाहें जीवन में, परंतु हमारा मूल ठीक रहना आवश्यक है, हमारी मानसिकता ठीक रहनी आवश्यक है। और ये सब चीजें ठीक किस चीज से रह सकती, ये सब चीजें ठीक रह सकती हैं धर्म से, रिलीजन से, आध्यात्मिकता से। जो जो व्यक्ति का बौद्धिक विकास होता है, यदि उसका आध्यात्मिक विकास नहीं होता तो वो बौद्धिकता बेकार। व्यक्ति के भौतिक विकास के साथ, बौद्धिक विकास के साथ आध्यात्मिकता का विकास होना नितांत आवश्यक है। और ये डॉक्टर सीवी रमन ने हमें शिक्षा दी कि अकेला बौद्धिक, अकेला भौतिक, क्योंकि विज्ञान ने हमें सिर्फ बारूद के ढेर पर खड़ा किया।
उस बारूद के ढेर से यदि हमें कोई बचा सकता है तो वो हमें धर्म बचा सकता है। आइंस्टीन ने एंड में लिखा कि मैंने सब कुछ करके भी कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मानवता को विनाश पर लाकर खड़ा किया। एंड आफ्टर द 1942 हिरोशिमा एंड नागासाकी न्यूक्लियर ब्लास्ट, आइंस्टीन वाज द पर्सन हु हैड मैक्सिमम पेन। सबसे ज्यादा यदि दर्द या पीड़ा किसी व्यक्ति को हुई तो वो आइंस्टीन को हुई कि तूने क्यों इतनी इतनी खोजें की। यदि इन खोजों का अंत सिर्फ मानवता का विनाश है तो ये खोज करना बेकार था। और आइंस्टीन ने अपने मेमायर्स में लिखा कि मैं सब कुछ जान पाया परंतु अपने आप को नहीं जान पाया, वो जानना बहुत जरूरी था। देखो ब्रह्मास्त्र अर्जुन के पास भी था, ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास भी था, पर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़कर सिर्फ सृष्टि का विनाश कर सकता था क्योंकि उसको वापस बुलाने की शक्ति नहीं थी उसके पास। और अर्जुन को हम इसलिए याद करते हैं, अश्वत्थामा हालांकि अर्जुन के बराबर का धुरंधर था, कोई कम नहीं था धनुर्धर, उससे बड़ा ही हो सकता है कीमत में, पर अर्जुन क्योंकि भक्ति में साथ साथ था, अर्जुन को वापस अपना ब्रह्मास्त्र बुलाने की शक्ति थी, इसलिए अर्जुन महान बना अश्वत्थामा से। अन्यथा अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था और अर्जुन शिष्य था, दोनों को शिक्षा देने वाला एक ही था, परंतु अश्वत्थामा से बड़ा अर्जुन कहलाया क्योंकि अर्जुन को ब्रह्मास्त्र वापस बुलाने का भी ज्ञान था। तो जो सृष्टि सिर्फ विनाश की तरफ ले जाए, जो भौतिकता या जो बौद्धिक विकास में विनाश की तरफ ले जाए वो किसी काम का नहीं है। उस विनाश के साथ साथ यदि हमें बचाने की भी शक्ति साथ मिले तो दैट इज यूजफुल टू अस। इसलिए साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल होना बहुत